नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। यूपी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुटुंब की परिभाषा को बदल कर रख दिया है, जिसके बाद घर की महिलाओं का घर पर अधिकार बढ़ गया है। इस बदलाव के बाद मृतक आश्रित सरकारी नौकरी पर विवाहित पुत्री के साथ साथ अलग कर दी गई बेटी का भी हक होगा। इससे पहले अमूमन मृतक आश्रित सरकारी नौकरी पर सिर्फ बेटों का हक हुआ करता था और बेटियों को अलग रखा गया था, लेकिन अब बेटियों के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह जरूरी कदम उठाया, बेटियों के हक को और मजबूत किया है अपने इस फैसले के जरिए। 26 जून का दिन यूपी के लिए ऐतिहासिक होगा, जब हर हाथ में रोजगार होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की योजना का निर्णायक दिन 26 जून है, जब 1 करोड़ श्रमिकों को ऑनलाइन सौगात मिलेगी। छब्बीस जून का दिन यूपी के लिए ऐतिहासिक होने जा रहा है, जब यूपी के 1 करोड़ लोगों को अलग अलग क्षेत्र में रोजगार मिलेगा और इस कार्यक्रम में पीएम मोदी मौजूद रहेंगे। दरअसल अलग अलग राज्य से लौटे मजदूरों और श्रमिकों के लिए यूपी सरकार ने रोजगार देने का फैसला किया था, जिसके बाद सभी श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन यूपी सरकार करा रही है। अब तक 36 लाख से ज्यादा श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिसके बाद रणनीति के तहत योगी सरकार ने सभी श्रमिकों के लिए रोजगार की व्यवस्था की है, जिसमें एमएसएमई, एक्सप्रेसवे, हाईवे, यूपीडा और मनरेगा में रोजगार का इंतजाम किया गया है, जिसे 26 जून को मूर्त रूप दिया जाएगा और इसी के साथ 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाएगा, जिसके बाद यूपी देश का पहला राज्य होगा जहाँ 1 करोड़ रोजगार मिलेगा और इसी के साथ स्थापित होगा रोजगार देने के मामले में एक रिकॉर्ड। 1 करोड़ नौकरियों का तोहफा, 26 जून को नौकरियों की सौगात, पीएम मोदी की मौजूदगी में होगा कार्यक्रम। 1 करोड़ नौकरी देने वाला पहला राज्य होगा यूपी। ये काम इतना आसान नहीं था। हाल ही में तेजी से प्रवासियों ने घर वापसी की, जिसके बाद योगी सरकार ने श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन कराया। इसके साथ ही श्रमिक कल्याण आयोग बनाया, जिसका काम श्रमिकों की स्किल मैपिंग करना है और इसके साथ ही उनकी क्षमता के आधार पर उनके लिए रोजगार का इंतजाम करना है। आदेश के फौरन बाद अधिकारियों ने काम शुरू किया और कम वक्त में 1 करोड़ श्रमिकों के लिए रोजगार की व्यवस्था की। एमएसएमई में रोजगार की हुई व्यवस्था, एक्सप्रेसवे और हाईवे निर्माण में मिलेगा रोजगार, यूपीडा और मनरेगा में बड़े पैमाने पर रोजगार। रोजगार का ये मेगा शो होगा जहां यूपी की जनता को सीएम योगी आदित्यनाथ ऑनलाइन बड़ी सौगात देंगे। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी भी मौजूद रहेंगे। फिलहाल सभी को इंतजार है 26 जून का कि यूपी सरकार की मेहनत से किसके हिस्से में आखिर क्या आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के बाद सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती उनको रोजगार देने की थी, जिसको लेकर श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन कराया गया और अब रोजगार देने की बारी है, लेकिन इस पर भी रार शुरू हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन के बाद जिस तरह से एक रेला निकल पड़ा था अपने अपने घरों की तरफ, उसने सरकार की पेशानी पर परेशानी की रेखाएं खींच दी थी। परेशानी सिर्फ इस बात की नहीं कि वो अलग अलग जगह से अपने साथ कोरोना ला रहे, बल्कि परेशानी इस बात की भी थी कि अपने अपने राज्यों में पहुंचने के बाद वो करेंगे क्या। यूपी में भी सबसे ज्यादा तादाद में प्रवासी मजदूर लौटे और यूपी में पूर्वांचल और अवध से लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों की संख्या सबसे ज्यादा रही, जिसके बाद प्रवासी मजदूरों को लेकर रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हुआ, जो अभी तक 35,38,000 से ज्यादा श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और लगातार रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जिसे लेकर प्रदेश सरकार का कहना है कि श्रमिकों की स्किल मैपिंग कराई जा रही है कि श्रमिक कहां से आया है, वहां उसका काम क्या था
और वह स्किल्ड लेबर है या नहीं और इसी के अनुसार यहीं पर रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना की माने तो इस बार जो निवेश आए हैं उसमें पूर्वांचल की तरफ वे फैक्ट्रियां उद्योग को स्थापित करने की प्रक्रिया में पड़ चुके हैं और जल्द ही यहां पर सबके पास रोजगार होगा। पूर्वांचल में ज्यादा प्रवासी मजदूर वापस आए, इससे यह सिद्ध होता है कि पूर्वांचल से ज्यादा लोग गए थे क्योंकि अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। अब अपॉर्चुनिटीज के तलाशने की बात है, हमने पूर्वांचल क्षेत्र में इंडस्ट्री लगाने वालों के लिए काफी रियायतें दी है। मुख्यमंत्री जी रोज इसकी समीक्षा करते हैं, मेरे ख्याल लगता है अगले आने वाले कुछ समय में उसमें और कुछ रियायतें देंगे इंडस्ट्रीज को ताकि वहां पर इंडस्ट्रीज आ सकें। आपको बता दें कि पश्चिम की तुलना में पूर्वांचल और अवध से श्रमिकों ने ज्यादा पलायन किया है। इसके पीछे की वजह पश्चिम में रोजगार के ज्यादा अवसर। वैसे केंद्र सरकार ने इस प्रवासी श्रमिकों वाले देश में 116 जिलों में 125 दिन के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया है, लेकिन सवाल ये है कि 125 दिन के बाद क्या होगा। आइए आंकड़ों के हिसाब से समझते हैं कि कहां पर कितने प्रवासी मजदूर लौट कर आए हैं। लखनऊ में 10,000 से ज्यादा प्रवासी श्रमिक लौटे, आगरा में 12,271, कानपुर नगर में 25,678 प्रवासियों की वापसी हुई, बरेली में 20,731, अलीगढ़ में 9,212 प्रवासी श्रमिक लौटे। वहीं कुछ ऐसे जिले भी हैं जहां 5,000 से कम प्रवासी श्रमिक लौटे हैं। गाजियाबाद में 424, बागपत में 1264 वापस लौटे, हापुड़ में 2062, शामली में 2413 श्रमिक वापस लौटे, मथुरा में 2653, मेरठ में 2939 श्रमिक वापस लौटे, गौतम बुद्ध नगर में 4032, मुरादाबाद में 4264 श्रमिकों की वापसी हुई। ये आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि जिलों में क्या हालात हैं। वहीं सरकार मनरेगा में 50 लाख से ज्यादा मजदूरों को रोजगार देकर खुश नजर आ रही है। 1,05,00,000 हमने मनरेगा और MSME सहित जो अन्य विभाग रोजगार दे सकते हैं उनको जोड़ते हुए 1,05,00,000 को हमने जोड़ा। मनरेगा में जो हमने फिगर इधर देखी है 6-7-8 दिन से वो डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग होने का मतलब यह है कि जो अनस्किल्ड हैं उन्हें संभवतः और जगहों पे भी काम मिल रहा है जो उनकी पसंद का है। जितने भी प्रवासी श्रमिक आए हैं क्वारंटाइन पीरियड पूरा कर लिए हैं और उन्होंने जॉब कार्ड बनवा लिया है या जॉब कार्ड उनका बनाया जाना है, सरकार उसे बहुत ही उदारतापूर्वक उनका कार्ड बनाएगी, उन्हें रोजगार देगी और जो काम चाहेंगे उन्हें काम देगी। इसलिए कोई संकट उत्तर प्रदेश सरकार के सामने नहीं है अपने प्रवासी श्रमिकों को रोजगार से जोड़ने के लिए। जो श्रमिक लौटे हैं वे सिर्फ मजदूर नहीं है, इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो कई सेक्टर में काम करते हैं और ऐसे में जो मौजूदा हालात है उसे देखकर यही लग रहा है कि अब बाहर जाकर काम कर पाना मौजूदा स्थिति में मुमकिन नहीं है। ऐसे में यहीं पर रोजगार की तलाश करनी होगी जो सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती बनेगी, जिसे औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना भी मानते हैं कि वाकई ये बड़ा चैलेंज होगा। बड़ी संख्या है, निश्चित रूप से बड़ी संख्या है। अगर कोई बड़ी चुनौती है तो उसको बड़े दिल के साथ फेस भी करना पड़ेगा। अगर चुनौतियों को और इस प्रकार की समस्याओं को नेगेटिव अगर पहले ही कह देंगे कि कुछ नहीं होगा तो जिंदगी में कोई भी काम नहीं होगा। एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, एक विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, एक जील के साथ आगे बढ़ेंगे कि हमने काम करना है तो कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। वहीं श्रमिकों को रोजगार देने के मामले को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है और सरकार पर लफ्फाजी करने का आरोप लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हमेशा आयोग और किस तरह की बातें करके प्रदेश के श्रमिकों को, मजदूरों को, कामगारों को गुमराह कर दिया रही है। इसके पहले भी सरकार ने कई सारे आयोग गठित किए थे, कई सारी घोषणाएं की थी, बड़े बड़े इन्वेस्टर समिति की थी, लेकिन उसके परिणाम अभी तक शून्य आए हैं। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को आयोजनों के नाम पर उत्तर प्रदेश के जो हितों के पैसे खर्च होने हैं उसे आयोजन में न खर्च करके जो लगभग 40,00,000 श्रमिक, कामगार, मजदूर हमारे प्रदेश में वापसी किए हैं उन पर ध्यान दें, उनके रोजगार सृजन की बात करें, उनके रोजगार सृजन पर काम करें। बातें बहुत हो गई, मुझे लगता है काम होना चाहिए। पूर्वांचल और अवध क्षेत्र में अगर हम प्रवासी मजदूरों की संख्या की बात करें तो जो अब तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं उनकी संख्या करीब 38,28,000 के आसपास है। हालांकि एक बड़ी संख्या है और जाहिर सी बात है कि सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। हालांकि सरकार की बात करें तो उसका मानना है कि मनरेगा, स्किल डेवलपमेंट और औद्योगिक क्षेत्र में
तमाम तरह से वो पूर्वांचल और अवध क्षेत्र में इन मजदूरों को रोजगार से जोड़ने का काम कर रहे हैं। हालांकि ये मजदूर आने वाले समय में कितने खुश रहेंगे, सरकार की नीतियां कितनी प्रभावित होगी, वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन सरकार का कहना है कि सभी मजदूरों को उत्तर प्रदेश में काम मिलेगा। इन सब के बीच प्रवासी श्रमिकों के लौटने के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने रणनीति भी बनाई है और इसके तहत श्रमिक आयोग का गठन भी किया। मनरेगा में भी 50 लाख से ज्यादा श्रमिकों को जगह मिली है। हालांकि गरीब कल्याण योजना और MSME जैसी तमाम योजनाएं सरकार लेकर आई है, अब इसका फायदा मजदूरों को कितना मिलता है कितना नहीं, ये तो वक्त बताएगा। इंडिया न्यूज के लिए विजय मिश्रा की रिपोर्ट। अमरोहा में एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें चकबंदी अधिकारी नितिन चौहान सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को गालियां देते हुए नजर आ रहा। इतना ही नहीं, नितिन चौहान एक किसान को गोली मरवाने की धमकी भी दे रहा। चकबंदी अधिकारी की नितिन चौहान के गली गाली कलौज और धमकी के बाद सपा नेताओं ने DM से मिलकर नितिन चौहान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सपा सरकार में मंत्री रहे कमाल अख्तर ने कहा कि अगर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो सपा कार्यकर्ता सड़कों पर आएंगे और आंदोलन करेंगे। तो वहीं सपा सरकार में मंत्री रहे कमाल अख्तर ने भी चकबंदी अधिकारी नितिन चौहान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कमाल अख्तर ने कहा कि अगर 30 जून तक आरोपी चकबंदी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो समाजवादी पार्टी कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर नौकरशाही बेलगाम है। अधिकारियों की हालत यह है कि जिस तरह कोई अपराधी और गुंडा धमकी देता है, व्यवहार करता है, उसी तरह का व्यवहार अधिकारी कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ फूलपुर एक गांव है, वहाँ पर एक की घटना है और एक बड़ी तेज़ी के साथ सभी पत्रकारों के पास वीडियो होगा। जो हमारे ज़िले के SOC हैं, उन्होंने जिस तरह का व्यवहार वहाँ के किसानों के साथ किया, मैं समझ सकता हूँ कि तुरंत सरकार को उसके अंदर एक्शन लेके उनके खिलाफ़ FIR होनी चाहिए थी। जिस तरह से वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ अभद्र भाषा का उपयोग एक अधिकारी कर रहा है, वो निश्चित तौर पर निंदनीय है। हम DM साहब से मिले हैं और DM साहब ने उस पर इतना कार्रवाई भी की है कि जब तक उनकी जांच चल रही है, जब तक कोई नीतिगत फैसले वो नहीं करेंगे, और जांच के उपरांत जो भी अगर उसके अंदर वो जो उन्होंने एक झूठ तथ्य सामने रखा है कि वीडियो के साथ एडिटिंग की गई है, वहाँ जितने भी लोग थे वो गरीब किसान थे, और किसी किसान ऐसा किसान नहीं है कि वो इतने बड़े नेता या इतने बड़े अधिकारी हैं कि उनकी कोई वीडियो एडिटिंग करेगा। देखिए बात, कोरोना को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कोरोना को लेकर एक बार फिर सवाल खड़ा किया। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि कोरोना से सबसे अधिक मृत्यु दर वाले 15 जिलों में 4 जिले यूपी के हैं। झांसी में हर 10 कोरोना पीड़ित में एक की मौत हुई है। मेरठ में हर 11 में एक कोरोना पीड़ित की मौत हुई है। आगरा और एटा में हर 14 कोरोना पीड़ित में एक की मौत हुई है। ऐसे में सोचने वाली बात है कि अगर केस बढ़ नहीं रहे तो मृत्यु दर इतनी ज्यादा क्यों है। सांसद आजम खान ने पर्सनल मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान उर्फ शानू को पुलिस ने गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया, जहां पर न्यायालय ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। फसाहत अली खान उर्फ शानू के पास से लूटी हुई नकदी, जेवरात और 2 भैंस भी बरामद की गई हैं। प्रभारी फसाहत अली खान उर्फ शानू को गिरफ्तार किया है। SP शगुन गौतम ने बताया कि उनके खिलाफ कई सारे मुकदमे दर्ज थे। तकरीबन 18 मुकदमों में वो पुलिस वांटेड थे। पुलिस लगातार उन्हें सर्च कर रही थी, उनके घर से लेकर उनके ठिकानों पर छापेमारी कई बार की, लेकिन फसाहत अली खान उर्फ शानू पुलिस को ज़्यादा दिनों तक चकमा नहीं दे पाए। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से लूटी हुई 2 भैंसे, ज्वेलरी और कैश भी बरामद किया है। अब माना ये जा रहा है कि जो आरोप उन पर लगाए गए थे, उन आरोपों को लेकर ही तमाम सारी चीज़ें पुलिस ने उनके ठिकानों से, उनकी निशादेही से बरामद की हैं।
तो अब इन सब चीज़ों को लेकर आजम खान के मीडिया प्रभारी की अब मुश्किलें बढ़ गई हैं। देखना अब ये दिलचस्प होगा कि ये आरोप, बेहद गंभीर आरोप, घरों में घुसकर तोड़फाड़ करना, मारपीट करना, उनके जेवर लूट के ले जाना, घर में बंधी भैंसों को ले जाना, इन सब चीज़ों को लेकर अब पुलिस उन्हें कोर्ट में पेश कर रही है। और कोर्ट में यकीन मानिए, ये आरोप अगर साबित हो जाते हैं, क्योंकि तमाम सारी चीज़ें जो पुलिस को मिली है, आज उन्हीं सब चीज़ों के साथ उनको कोर्ट में पेश किया गया है, जहां उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। तो ये सब चीज़ें अगर कोर्ट में सही साबित हो जाती हैं, तो आप समझिए आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाद अली खान उर्फ शानू की भी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, और लोग यही कहेंगे कि छोटे मियाँ और बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। ओमपाल सिंह राजपूत, इंडिया न्यूज़। फसाद आजम खान के पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कानपुर में सपा कार्यकर्ताओं ने अनोखे ढंग से प्रदर्शन किया। सपाइयों ने यशोदा नगर से नौबस्ता चौराहे तक रिक्शा चलाकर विरोध जताया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सपाइयों का ये कहना है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी नहीं आई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। कोरोना काल में बढ़ती महंगाई के खिलाफ गोरखपुर में सपाइयों का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। सपा कार्यकर्ता भैंस के आगे बीन बजाकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे थे। तस्वीरें गोरखपुर के डेयरी कॉलोनी के लोको ग्राउंड की हैं, जहां पर सपाइयों ने भैंस के आगे बीन बजाकर सरकार की को नींद से जगाने की कोशिश की। इन लोगों ने बाकायदा हाथों में बीन लेकर भैंस के आगे बजाया। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर एक बार फिर से महंगाई चरम पे है, और आप देखेंगे कि एक अनोखे अंदाज में यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ये जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आज भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं, क्योंकि जो कहावत है भैंस के आगे बीन बजाए भैंस बजे पहुरा है, तो वो कहावत आज यहाँ पे चरितार्थ करते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। और पूरे तरीके से पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों को वापस ले भाजपा, इस तरह के नारों को लेकर के आज वो अनोखे अंदाज में यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखेंगे कि भैंस को लेकर के ये बीन बजा रहे हैं और पूरी तरीके से एक ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं जिससे सरकार की आंखें खुले और बढ़ती महंगाई पे लगाम लगाया जा सके। किस तरीके का यह प्रोटेस्ट है और कहाँ से इस तरीके का जो तरीका आप लोगों ने इख्तियार किया? आज गोरखपुर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार, आज 18वां दिन है, पेट्रोल और डीजल का दाम लगातार बढ़ाया जा रहा है। जनता परेशान है, लोग बेरोजगारी से परेशान हैं, लोग भूखमरी से परेशान हैं, ये तो महामारी से परेशान हैं, लोगों के पास रोजी रोटी का व्यवस्था नहीं है, खाने का व्यवस्था नहीं है, और इस तरफ केंद्र सरकार इस तरह लोगों के ऊपर बोझ डालने का काम किया जा रहा है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाया जा रहा है, लोगों को जीना मुश्किल होते जा रहा है, सभी चीज़ों का दाम बढ़ रहा है। ये अगर इस तरह का अगर नहीं रोक लगाया गया, तो इसीलिए आज हम लोग भैंस के आगे बीन बजाकर केंद्र सरकार को जगाने का काम किया गया है। अगर नहीं अभी भी जागती है, तो इससे और बड़ा आंदोलन हम लोग समाजवादी पार्टी करने का काम करेगी। क्या लग रहा है, जो भैंस के आगे बीन बजा के एक नया तरीके से प्रोटेस्ट किया आपने, इससे सरकार की नींद खुलेगी और ये जो बढ़ती महंगाई उस पर लगाम लग पाएगा? बिल्कुल, हम लोग का कोशिश यही है कि सरकार जरूर जागेगी, और नहीं जागती है तो हम लोग और बड़ा आंदोलन करेंगे। तो बिल्कुल, सरकार को जगाने के लिए लगातार अलग अलग कवायद की जा रही है। इस बार एक अनोखे अंदाज से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, भैंस के आगे बीन बजाया जा रहा है, और सरकार की नींद तोड़ने की कवायद की जा रही है कि सरकार नींद से जागे और से जल्द बढ़ते कीमतों पर लगाम लगाए और लोगों को इस बढ़ती महंगाई से थोड़ी निजात मिल सके। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज। फरवरी 2019 में सहारनपुर और उत्तराखंड के रुड़की में हुए जहरीली शराब कांड का मामला फिर से सुर्खियों में है। जहरीली शराब कांड में गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद दिल्ली के रहने वाले केमिकल सप्लायर अजय वर्मा को क्लीन चिट दिए जाने की आंच अब बड़े अफसर तक पहुंच रही है। विवेचक नरेंद्र कुमार ने केस डायरी में वरिष्ठ अधिकारी के पत्र का हवाला देते हुए आरोपित अजय के खिलाफ विवेचना समाप्त करने की इबादत लिख दी। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट आप देखिए। 2019 का सहारनपुर में हुआ जहरीली शराब हत्याकांड एक बार फिर सुर्खियों में और चर्चाओं में है, और वो चर्चाओं में आने का कारण ये है कि जो आईओ ने जो जांच की थी वो जांच संदेह के घेरे में आई, उसने जांच की जांच कराई गई वो भी संदेह के घेरे में आई है, और जिसमें जो है ये बात सामने आई है कि जो मुख्य आरोपी जिसको बनाया गया था अजय वर्मा जो दिल्ली के रहने वाला है उसको मुख्य आरोपी बनाया गया था, और इसके बाद इस मामले 50 लाख रुपये की लेन देन के मामले की भी बात सामने आई है।
हालांकि डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल का कहना है कि अभी इस मामले में जांच की जा रही है और वहीं जो उत्तराखंड सरकार ने इस मामले में चार्जशीट न्यायालय में भी दाखिल कर दी है। सहारनपुर से चंद्रभान सिंह, इंडिया न्यूज। उधर सिद्धार्थनगर जिला अस्पताल में फार्मासिस्ट की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। बता दें कि 35 साल के फार्मासिस्ट दिनेश यादव की मौत आज दिल का दौरा पड़ने से हो गई। परिजनों का आरोप है कि पीएचसी में तैनात डॉक्टर श्रवण तिवारी दिनेश यादव अपने चैम्बर में बुलाकर जमकर फटकार उनको लगाई, जिसके बाद फार्मासिस्ट दिनेश यादव को हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने इमरजेंसी गेट बंद कर धरने पर बैठ गए। परिजन डॉक्टर श्रवण तिवारी पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इस पूरे मामले पर सीएमओ ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। और इस पूरे मामले पर पीड़ित परिजनों का क्या कुछ कहना है, आप सुनिए।